हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। कुछ तीन सवाल हैं जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं। सबसे पहला, सर क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? दूसरा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट 2023 एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं? और तीसरा, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैं आपको तुरंत दे देता हूं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इट विल हेल्प इन योर कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर सिलेबस। जब आप एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो एसेंशियली आप पूरी किताब, पूरी एनसीईआरटी को एक बार ढंग से रिवाइज कर लेते हैं। और आपको ये कॉन्फिडेंस भी देता है कि अरे पिछले 33 साल, 34 साल में ऐसे सवाल नहीं आए जो मुझे नहीं आते, तो नीट 2023 में ऐसा क्या हो जाएगा कि कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जो मुझे नहीं आएगा। तो पीवाईक्यू करना मस्ट है। दूसरा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं? जी बेटा, हमने एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा है कि बिना वैल्यू चेंज किए हुए भी लगभग 20% क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर के रिपीट हो जाते हैं। और अगर तुम उससे मिलता जुलता सवाल देखोगे तो बेटा देखो, अब 34 साल से एक एनसीईआरटी से ही सवाल बन रहा है, तो नए सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कहाँ से बनाओगे नया सवाल। तो एसेंशियली 80% तो पीवाईक्यू के सवाल तोड़ मरोड़ के रिपीट हो ही जाते हैं, और 20% तो बिना डेटा चेंज किए, बिना लैंग्वेज चेंज किए एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल कि सर हमें कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए? बेटा इसका जवाब यह है कि आपको लास्ट 34 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। अब तुम बोलोगे सर लास्ट 34 ईयर के पीवाईक्यूज में तो बहुत सारे वेग सवाल हैं जो सिलेबस में नहीं है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और मोराल डाउन होता है। तो मैं एग्जाम्पल दिखा दो, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये है पीडीएफ, इसमें लगभग लास्ट 34 साल के सवाल हैं। ठीक है, तो अब इसमें तुम देखोगे कि टॉपिक वाइज, अब देखो ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक टू तुम्हारा आ गया यहाँ पे कुछ और, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया होगा टॉपिक टू, टॉपिक टू तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसने बंटवारा किया हुआ है। ठीक है, अब तुम इसमें देखोगे ना कि तुमको साल मैटर नहीं करता कौन से साल का सवाल है, बट टॉपिक मैटर करता है कि कुछ कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक पहले सवाल में पूछा है। जैसे देखो टीलोलेसिथल एक्स है ना, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज वगैरह है ना, टाइप्स ऑफ एग, ए लेसिथल पढ़ते थे हम, आइसोलेसिथल पढ़ते थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्लीडोजोइक पढ़ते थे, नॉन क्लीडोजोइक पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ एग्स आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड जितने सवाल होंगे वो आपसे ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। फिर देखो ग्रे केसेंट एरिया कहाँ पे होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। तो इसका जवाब ये बेटा कि जो अब जैसे क्लिवेजियन इन मैमलियन एगेज, ठीक है, या अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक से क्या होगा, ठीक है, फिर आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहाँ पे होता है। तो अब ये सब देखो सवाल बहुत पुराना नहीं है ना, बट द पॉइंट इज कि कभी कभी पुराने सवाल भी अच्छे होते हैं, और कभी कभी 2010 के पेपर में भी या 2008 के पेपर में भी तुमको कुछ ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक दिख जाएंगे जो पहले आते थे। अब आपका सवाल सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर मुझे कैसे पता चलेगा क्या मेरे सिलेबस में है, क्या मेरे सिलेबस में नहीं है? तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। ठीक है, जितने भी इस तरह के पीवाईक्यूज हैं जो आपको नहीं करने, या जितने भी टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू के जो आपको नहीं करने, उनकी एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भैया इन क्वेश्चंस अगर आपको दिखे तो इन क्वेश्चन को आप स्किप कर देना। कहाँ शेयर करूंगा बेटा? टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे। ठीक है, दूसरा मैं बेटा एक सीरीज चलाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड रिवाइज विथ पीवाईक्यू। तो आप देखोगे कि हम क्या होगा, एक टॉपिक लेंगे, फटाक से एक टॉपिक के बारे में थोड़ा जानेंगे, और उसके जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है, जो रेलेवेंट पीवाईक्यू क्या है, इसमें दो तरह की चीज है, एक तो रिपीटेटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, तो जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है वो रेलेवेंट पीवाईक्यू बिना रेपिटेशन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक फाइनल जो आपका है, आपको पता ही होगा कि चिंटू नोट 2.0 आ रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड होंगे उसके लिए। ठीक है, तो इससे एक बार कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं बेटा आपको प्रॉमिस करता हूं कि बायोलॉजी तो मैं आपको 340+ मार्क्स तो दिला के ही रहूंगा, अगर तुम डेडिकेटेडली मेरी बात मान रहे हो तो। मैं दिखाऊंगा वीडियो बना के कि सिर्फ और सिर्फ इस चिंटू नोट से भी ना ग्रेटर देन 95% मार्क्स प्रिडिक्ट किए होंगे क्वेश्चन मैंने, कि यहां से सवाल आएगा। पिछले साल भी आपने देखा था, पिछले के पिछले साल भी आपने देखा था, बट आपको फोकस होके पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो डटे रहो मेरे साथ, अभी हम बायोलॉजी चीट कोर्स कर रहे हैं उसको करते जाइए, उसके बाद अभी हम फिर उसके बाद रिवाइज विद पीवाईक्यू करेंगे, और फाइनली चिंटू नोट्स के साथ
रिवाइज करा के आपको छोड़ देंगे, ताकि आप अपने वे में फोकस होके पढ़ें और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर आपको मेरा काम, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, वीडियो को खूब सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।